हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर फ्रेश एपिसोड ऑफ मैथ्स विद लॉजिक। लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज हम टाइम एंड वर्क का ही एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी प्रीवियस एग्जाम से पूछा जा चुका है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन था एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसएससी सीजीएल मेंस के लेवल का। तो ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी अप्रोच है। कैसे हम इसको बेसिक सॉल्व करते हैं वो आपको पता होगा, लेकिन कैसे लॉजिकली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विद इन 1 to 2 या 3 seconds वो आप लोगों को सीखना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझिएगा। आप इसको साथ साथ लिख भी सकते हो। आपसे कहा गया दो लोग हैं ए और बी, देयर आर टू पर्संस ए एंड बी, दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 7 days। दो लोग ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दो लोग और हैं, अब और क्या, बी और सी ही हैं। दो लोग ए और बी, और बी और सी जब इसी वर्क को करते हैं तो ये इस वर्क को 11 डेज में कर सकते हैं। और जब यही वर्क सी और ए करते हैं तो उन्हें लगते हैं 13 डेज। फिर से देखिएगा, कोई वर्क है और अपने पास 3 ऑप्शन यूज करने के लिए, उसे ए से करा सकते हैं, बी से करा सकते हैं या फिर सी से करा सकते हैं। तो हमने ग्रुपिंग में वर्क कराया है और हमें यह ऑब्जर्वेशन मिला कि जब ए और बी ने मिलकर उस वर्क को किया तो उन्होंने 7 डेज लिए, जब बी और सी ने मिलकर वर्क को किया तो उन्होंने 11 डेज लिए, और जब सी और ए ने मिलकर किया तो 13 डेज लिए। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हु विल कंप्लीट द वर्क फास्टेस्ट, या फिर सेम को लिख सकते हैं इन लीस्ट टाइम। सिमिलरली ये भी हम पूछ सकते हैं, हु विल टेक लॉन्गेस्ट टाइम अलोन टू कंप्लीट होल वर्क, इस संपूर्ण कार्य को खत्म करने में कौन सबसे ज्यादा समय लेगा या फिर कौन सबसे कम समय लेगा। अब सर अगर हम इसके बेसिक प्रोसेस की बात करें तो मैं आपको आइडिया दे देता हूं, आपको पता है कैसे करते हैं क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका भी बेसिक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए तरीका क्या होता है, हम इनका एलसीएम लेते हैं, फिर हम यूनिट टाइम पे इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, आप बोल सकते हैं यूनिट टाइम का वर्क ऐड करने के बाद, जब इधर आप ऐड करते हैं 2 times a + b + c बनता है, हाफ करेंगे ए बी सी का टोटल वर्क आएगा। उस वर्क के थ्रू इन वैल्यूज के साथ अरेंज करके, क्योंकि आपने सबकी सिंगल एफिशिएंसी निकाली होंगी, ए और बी की, बी और सी की, और सी और ए की, आप ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालते हैं। जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा उसे लगता है सबसे ज्यादा टाइम, और जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम उसे लगता है सबसे कम टाइम। तो आई थिंक मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा बेसिक मेथड से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम इसकी देखते हैं ट्रिक, और वहां पे हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे टाइम एंड वर्क के। तो ट्रिक क्या देखेंगे सर, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन इसका नो डाउट बहुत लेंदी है, थोड़ा केवल अपना माइंड लगाइएगा। हमें निकालना है इसको सबसे पहले कौन पूरा करेगा। ध्यान से देखिए, ए और बी कितने दिनों में करते हैं, 7 days, बी और सी 11 days में, और सी और ए जब इसको मिलकर करते हैं तो उनको 13 days 13 दिन लगते हैं। सोच के ये बताइए, वैल्यूज आपके सामने हैं कि इस वर्क को करने में सबसे ज्यादा दिन कब लगते हैं, जब कौन से दो लोग काम करते हैं साथ साथ। शायद सबसे ज्यादा दिन लगते हैं 13 days, और यहां पे काम किया है सी और ए ने मिलकर। तो अगर यहां समय सबसे ज्यादा लगता है और सी और ए काम कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा वो नहीं आया होगा। एम आई राइट, जो सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा वो यहाँ पे नहीं आया होगा, सबसे अच्छा में जिसके चांस सबसे ज्यादा होगी, तो इस वर्क को करने में काफी टाइम लगा। तो सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन, बी, जो कि यहाँ पे नहीं आया। और अगर बी सबसे ज्यादा कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट है, तो हम कह सकते हैं कि बी की जो एफिशिएंसी होगी ये सबसे ज्यादा होगी, और बी की अगर एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी तो इसको इस वर्क को करने में जो टाइम लगेगा वो सबसे कम होगा। इसका आंसर बी हो गया। समझ में आया, टाइम हमने देखा सबसे ज्यादा कब लगा, जब सी और ए ने किया, मतलब यहां पे अगर समय सबसे ज्यादा लग रहा है तो यहां सबसे अच्छा कैंडिडेट नहीं आया।
जो कैंडिडेट बी था। अगर बी सबसे अच्छा कैंडिडेट हो, सबसे पहले वही इस वर्क को कंप्लीट करेगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। सिमिलरली जब हम पार्ट बी करते हैं इसका, तो बोला हु विल टेक लॉन्गेस्ट टाइम टू वर्क टू डू द वर्क अलोन, इस कार्य को अकेले पूरा करना अगर हो तो सबसे ज्यादा समय कौन लेगा। तो सबसे ज्यादा समय के लिए क्या आपको देखना है, इसका अपोजिट यानी कि सबसे कम समय कब लगा, जब ए और बी ने काम किया। तो आई थिंक यहां सबसे घटिया वर्क करने वाला कैंडिडेट नहीं आया होगा, जो कि कौन है, देखिए सी। सी यहां पे नहीं आया, और सी अगर नहीं आया तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी ये मिनिमम होगी। जब सबसे घटिया कैंडिडेट नहीं आया है तो वर्क सबसे पहले पूरा हो गया, और अगर इसकी एफिशिएंसी सबसे कम है तो इसको जो टाइम लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। सर डायरेक्टली आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे, कैसे करना है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो यही कुछ ऐसे फंडे हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में भी आपसे डिस्कस करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आप इसे यूजफुल पाते हैं अपने लिए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले समय में इसी तरीके के और ट्रिकी वीडियोस मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं वापस।